आके वो रूबरू आ गए, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, आंखों की लड़ियों मेरी आंख से देख कर है लड़ाई मजा आ गया। ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर है लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, पर कसी गिर गई काम ही किसी गिर गई काम ही कर गई, अब ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। शुरू में बहुत ऊंचा बोल दिया मैंने, एकदम से गला बैठ गया मेरा एकदम से। जनाब बहुत आपको हम वेलकम करते हैं, सलाम पेश करते हैं। टू सच कप आपसे मुलाकात हो रही है ईद के बाद। कैसी गुजरी ईद, कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी, अच्छी गुजरी। गर्मी बात है, गर्मी में भी अच्छी गुजरती है। क्या बात, ये फेस्टिवल तो मनाना चाहिए ना। हाँ, है कि नहीं? ये तो है, जो मर्जी हो। तो आपसे मुलाकात हो रही तकरीबन दो हफ्ते बाद। इस दौरान आपने K2 के शोज देखे, आपने खैबर टीवी के ईद के प्रोग्राम्स देखे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। सबने बड़ी मेहनत की, कोशिश की कि हम इस ईद के मौके को हमेशा की तरह से आपके साथ मिल बांट के गुजारें। और 0514102357 सच गप में आपको खुश आमदेद एक दफ़ा फिर कहेंगे। मैं हूँ रिदा इमरान, मेरे साथ है मुईज अब्बास MA, और आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार है। कोई आपने पोस्ट ईद गाना अगर आपके जहन में आता है, कोई अच्छा सा गाना ज़रूर बताइए। ये भी बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी, इंजॉय किया घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ। घर की जो ख़वातीन हैं उनको हमारा दोनों हाथों से सलाम, क्योंकि गौ संभालना फिर खाने बनाना इतनी गर्मी में, उस वक्त 44 टेम्परेचर था उस दिन ईद वाले दिन, पता है। हुई हुई हुई। गर्मी तो थी लेकिन गर्मी के साथ साथ दिल में खुशी भी थी। दिल में खुशी भी थी। आप गोश्त बांटने गए होंगे स्पेशल जगहों पे। देखें, अब आपने बात की है ना, ये है दिल की बात। हम दिल का शॉपर बना के दिल वालों के घर देना। जितनी मोहब्बत होती है शॉपर इतना बड़ा होता है। नहीं नहीं, मोहब्बत शॉपर से डिनोट नहीं होती। पॉइंट ये है कि जो दिल है ना, दिल वाला शॉपर किसके घर जाता है, बात ये। तो वो दिल वाला शॉपर दिल वालों के घर जाता है। क्या बात है जी, वैसे गर्मी जो है ना हद से ज्यादा वैसे बढ़ गई है। सही बात है। इस दफा कुछ ज्यादा गर्मी पड़ी है, मुझे लग रहा है। नहीं देखें, गर्मी तो बहुत ज्यादा आज मेरे ख्याल से जो सूरज मियां है वो थोड़ा गुस्से में आजकल हमसे नाराज हैं। हम लोग चांद की तारीफें करते रहते हैं, सूरज तो फिर गुस्से में। एग्जैक्टली, वो गर्मी तो बरसाएगी। अच्छा, इसकी वजह ये भी है कि शायद हम लोगों ने इतनी दरख्त काट दी, इतना हमने गर्मी को सपोर्ट कर दिया है कि अब गर्मी जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है। लेकिन हम गर्मी की जो धूप की तमाजत है उसे हम इस तरह से कम कर सकते हैं कि हम हाइड्रेटेड रहें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, लेकिन शुगर को अवॉइड करें। सिकंजवीन पी सकते हैं आप सिंपली नमक डाल के, और रंगों के ज़रिए गर्मी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आप थे खड़ी होगी, दिखाओ देती हूँ, देखा तो अच्छा नहीं लगता ना। माशाल्लाह। हाँ जी,
ऐसे आप कूल कलर्स पहने, हल्के हल्के, जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड महंगे कपड़े पहने, कोई से भी कूल कलर, वाइट हो गया, आइवरी, पेस्टल कलर जो है वो आप पहन के एटलीस्ट हम खुद से फील कर सकते हैं कि जरा गर्मी कम है. और ब्लैक कलर, डार्क ग्रे, डार्क ब्लू जो उनसे है बचें. उनसे बचें क्योंकि ये गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं. इसके अलावा ये खाने पीने में दिल करता है कि हम चटनियाँ बनाएं, है ना, यही बात, सालन वगैरह से बंदा वो गोश्त खा के वैसे थोड़ा लस्सी की बात करें, आप किधर चटनियों में बैठी हैं, लस्सी की बात करें, इतनी गर्मी है, आग लगी हुई अंदर, तो लस्सी से ठंडी हो सकती है वो आग, तो लस्सी जरूरी है. अच्छा क्या बात है, लस्सी, लस्सी नमक वाली लस्सी जिसे छाछ कहते हैं, कच्ची लस्सी, वो मजे की होती है. और इसके अलावा मीठी लस्सी में तो सही टिका के ठंडी ठंडी बर्फ वाली, बर्फ वाली. आए, 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 अच्छा मैंने ना एक बड़े मजे की ड्रिंक कहीं जाके पी थी और उसके अंदर फिजी ड्रिंक थी, साथ से जूसेस ऐड किए थे, इतने मजे की, वही तो कल बनाऊंगी मैं यहाँ पे आके. मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो की किसी ड्रिंक की हो, लस्सी को डिफरेंट तरह की लस्सी हो. अच्छा अगर लस्सी के अंदर आप लस्सी ब्लेंडर में बना रहे हैं आप, उसके अंदर चंद कतरे आप अरके गुलाब के डाल दें या जो केवड़ा होता है उसके ऐड कर देना, तो एक तो ठंडक भी पहुंचाता है, उसके अंदर ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है. अच्छा नाम बड़ा मुश्किल है मुझे तो, केवड़ा. अच्छा केवड़ा, मुझे लगा खेवड़ा कह रही हैं आप. खेवड़ा नहीं, नहीं मिलते जुलते हैं ना थोड़ा बहुत. कहाँ से मिलते जुलते हैं, एच, एच का फर्क है, बाकी तो सेम ही है तकरीबन तकरीबन. एच आ जाएगा. देखें अगर बनाना है तो मोहब्बत का शरबत बनाएं. तो मोहब्बत का शरबत ही है ना. अच्छा लस्सी के अंदर केवड़ा डाल दें, ऐसी खुशबू मोहब्बत. मोहब्बत का शरबत तरबूज से बनता है. ये किसने कहा है, आपको तो पता ही नहीं है. तरबूज के अंदर आप तरबूज काटें, ठीक है, उसके अंदर बर्फ मिलाएं, बर्फ के बाद जामे शीरी डालें, आए हाय हाय हाय, उसके बाद पानी डाल के जो चीज तैयार होगी वो होगा मोहब्बत का शरबत. वो दिल से दिल को कनेक्ट करेगा, गर्मी कम करेगा. तो तैयार होगी वो फेंक दें. तूने बना के पिया कभी है? क्यों नहीं पिया, नाराज हो गया. इतना नहीं, इतना प्यारा मोहब्बत का शरबत है, दिल को दिल, दिलों से कनेक्ट करता है. आप एक दफा ट्राई करें. अच्छा चलो ठीक है, जिनसे आप ये खेड़ा छेड़ा भूल जाएंगे. अच्छा जी मोहब्बत के शरबत की रेसिपी बताइए मुइज ने, इसको आप अपने बलबोते पे पी सकते हैं, हमारा इससे इदारे कैसे अपने बलबोते पे पी सकते हैं. डिस्क्लेमर दे देनी चाहिए. डिस्क्लेमर, हां तरबूज अपने ऑन रिस्क पे पी. तरबूज के अंदर आपने लाल शरबत मिलाना है बगैर नाम लिए, बस. हां बस, और साथ बर्फ हटवाने के अंदर बीच में. हां क्या टेंशन की क्या बात है, छोटे 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 पीस करने पहले दबाने के, फिर उसमें आपने डालना है लाल सा शरबत, फिर पानी डालना है ठंडा और बर्फ डाल के, आए हाय हाय हाय, गर्मी ऐसे यूं मुकेगी. ये इसमें ना गोश्त चढ़ गया सर को, इसके भी लग रहा है. हाँ टिक्का चढ़ गया है. गोश्त नहीं बोलते. अच्छा बारबेक्यू भी आप लोगों ने किए? देखिए हम लोग ये सीरियस बातें तो करते हैं कि हर एक को जो है ना, आप घर वालों के अलावा, फैमिली के अलावा, आस पास वैसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ आपने ये कुर्बानी गोश्त शेयर किया होगा. प्रोफेशनल मांगने वाले भी आते हैं. Exactly, जो बेचते हैं घंटियां बजाते हैं आगे. हाँ अभी बेच देते जाके. सही बात है ये. हाँ आपको मजाक लग रहा है यार, नीचे शॉपर खड़े होके बेच रहे होते हैं. सामने से मेरी एक दफा एक बंदा लेके गया, कहता गोश्त दे दो भाई. हाँ. गोश्त ही नीचे लाइन लगी हुई बेचने की. मतलब आप सोचेंगे वो फी शॉपर 500 को भी बेचें. हाय हाय हाय, इनको तो प्रॉफिट ही पूरा. वैसे ये बिजनेस टेक्निक भी है एक तरीके से. अगर मैंने कोई बिजनेस किया तो मैं बनाऊंगी मोहब्बत का शरबत जो मुइज का स्टाइल का है. देखें ये बात होती है, और मेरा नाम लिखना मुइज का मोहब्बत वाला शरबत. मुइज का मोहब्बत, आए हाय मुइज का मोहब्बत वाला जो बिक्री होनी है मुइज के नाम पे, देखो सेल हो जाएगी, लाइनें लगेंगी लाइनें. पता क्या, दो लोगों का मैं थैंक यू बोलना है. एक तो अहमद का, अहमद शेर का, अहमद भाई का बहुत शुक्रिया. हमारी ईद के शो में वो आए थे और जजमेंट की थी उन्होंने अपने रिस्क लेके, जिंदगी के जान हथेली पर रख के उन्होंने कीमा खाया था जो कि साइम ने और मुनीब ने बनाया था. थैंक यू सो मच. बारबेक्यू बनाया आपने, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा मुझे शुक्रिया अदा करना, देखो नाम भूल गई मैं, जिन्होंने कपड़े कोई नहीं, मेरा नाम ले लें. बोल के थैंक यू, आपका शुक्रिया, कपड़े स्पॉन्सर किए थे. पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, मीज आपका भी शुक्रिया, सबका. हमने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि ये दोस्तियाँ और ये रिश्ते ही होते हैं जो कि ईद के रंग को चार चांद लगा देते हैं. बड़ा हसीन लग रहा होता है वो दिन. और अगर ये लोग ना हो, जैसे कि दुख प्रदेश में जो होते हैं उनके पास ये घर वाले ना हो, तो फिर ज़रा एहसास होता है कि भी ईद ऐसी वर्किंग डे बन जाता है ना बाहर के मुल्कों में. तो जी मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप कौन? हेलो, कहाँ से आई आवाज़? मैं कह रहा हूँ मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं आप हैं कौन? मैं बस कहीं पाया जाता हूँ. कहीं पाए जाते हैं? हाँ जी पाए जाते हैं. पाए का शुक्रिया. कहीं पाए जाते हैं.
अमाद थैंक यू, बड़े गोश्त तले पाए नहीं बहुत शुक्रिया लेकिन आपका शुक्रिया क्योंकि आपने जो ईद के शो में चार चांद लगाए हैं और पहले दिन हमने जो ईद मनाई माशाल्लाह उस शो के अंदर जो आपने माशाल्लाह एक वैरायटी दी वो चाहे बारबेक्यू थी चाहे उसमें इन हाउस कंपटीशन था चाहे टोटकास्ट थे और चाहे मुइज की जबरदस्त सिंगिंग थी सब कुछ बहुत अच्छा था सो कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच आपको बहुत मुबारक हो ईद की मुबारकबाद डबल होगी क्योंकि हमने खैबर टीवी के 20 साल को साथ हमने साथ मिलाया और खुशियों को दुबाला किया अब सिलसिला ये जारी है और खुशियाँ अल्लाह ताला हमारे घरों में ऐसी आती रहें बहाने ढूंढ रहे होते हैं हंसते मुस्कुराने के अच्छा तुम्हें क्या चीज़ बहुत खुश करती है मुझे देखिए मुझे तो बड़ी ईद पे भी ईदी खुश करती है ईदी हाँ पैसों वाली किसने दी घर वालों से ली देता कौन है घर वाले कितने अच्छे देता कौन है ली मांग के ली छीन के ली नहीं मांग के भाई अम्मी ने कितने पैसे दिए अम्मी ने मुझे तकरीबन 1000-1200 तो दिया था बहुत है भाई बड़ी ईद पे और हाँ बड़ी ईद पे इतना भी बहुत है हाँ ये भी चीज दिल को कनेक्ट कर गया सो मटेरियलिस्टिक पैसे मिलते तो खुश होते हो मैं भी वैसे ऐसे खुश तो जिसको पैसे नहीं मिलते आप उससे पूछे उसका क्या हाल होता है बिल्कुल अच्छा मुई से आपने गाना सुनना है तो आप 0514102357 पे कॉल करके जो है कॉलर के बता सकते हैं कौन सा गाना सुनना है आप गाना सुने मुई से कौन सा सैड के हैप्पी देखें सैड सुनूंगा सैड हाँ मैं इसलिए क्योंकि देखें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह थोड़े से इमोशनल होंगे ये तो मतलब ड्रामेबाज हो नहीं मैं सीधी बात कोई इमोशनल नहीं है ये बिल्कुल फिल्म में बात अब मैं सही बात करने लगूं देखें बहुत से लोग दुखी होंगे क्योंकि उनके जानवर गए तो मैं उस जुदाई पे क्यों दुखी होंगे जुदाई पे जो कुर्बान हुए जानवर बेचारे उनसे जो मोहब्बत होती है उनकी जुदाई पे कुर्बानी का सॉन्ग होना चाहिए जुदाई का सॉन्ग होना चाहिए देखें ये गलत बात है मैं जुदाई वाला सॉन्ग सुनाऊंगा बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत नाई क्यों आई लंबी जुदाई चार दिन प्यार और बा बड़ी लंबी जुदाई चार दिन प्यार और बा बड़ी लंबी जुदाई सॉन्ग सुन के इंसान के दिल में जो है अचानक सा इमोशन जाग जाता है कि नहीं तमाम बिल्कुल परदेशियों को भी और अपने जानवरों को भी अरे भाई देखिए परदेशियों को परदेशियों चलिए उनको कर रहे हैं लेकिन मेरी तरफ से भी किसी को डेडिकेट हो इनकी तरफ से डेडिकेट कर दें हाँ मेरी तरफ से चार दिन प्यार और बा बड़ी लंबी जुदाई चार दिन प्यार और बा बड़ी लंबी जुदाई क्या बात क्या बात है वो एक लाइन तो गाई नहीं वो आप गाए नहीं मैं नहीं वो आप गाए ना मेरी देखिए तो मजा तो तब ही है आपकी तरफ से भी कोई डेडिकेट होना चाहिए मैं तो लुडियां धमाल गाने वालों में से हूं एक हल्की सी आप भी गा सकती हैं चले जी ये सॉन्ग मैं भी डेडिकेट कर देती हूं किसी को हां जरूर करें तो मुझे आप क्यों देंगे
सॉरी, ऐसी शौकिया गा रही हूँ, गाने खराब करने का मुझे बचपन से शौक। आप शुरू करें, आपको फॉलो कर लूं। चार दिन दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़ी, हाथ निगोड़ी, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे चार दिन दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या बात है, लेट्स टेक अस। आपकी वजह से स्केल चेंज हुआ लेकिन मजा आया। वेरी गुड, टू गुड। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी। ब्रेक, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू सच गप, मैं हूँ रिदा इमरान। 0514102357 हमारा नंबर है। और क्योंकि घरों में रौनक लगी हुई है, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, समर ब्रेक है, तो आप लोगों के जाने का इत्तेफाक होगा मरी गलियात में या नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे। तो रिक्वेस्ट मैंने शायद ईद से पहले आप लोगों से की थी कि जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के रहायशी हैं, वो ज़रा थोड़ा ब्रेक लगा लें, ना जाएँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग उमड़ उमड़ के वहाँ पर आ रहे हैं। क्या ट्रैफिक, क्या पानी का निज़ाम, क्या वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना हमारा अपना काम है, हमें ने वहाँ पे जाना है ना। तो इस्लामाबाद की रहशी वो ज़रा ठहर के चले जाएँ, ताकि जो पंजाब से सिंध से लोग आ रहे हैं वो जाएँ और वहाँ जाके उस जगह को भी अपनी ही जगह समझें, गंदगी ना फैलाएँ, ताकि मतलब बाद में और लोगों ने भी तो आना है ना। मैं मतलब बता बता के थक गई हूँ, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं वो बहुत तकलीफ देह होती हैं। हमने इससे पहले ब्रेक से पहले सॉन्ग डेडिकेट किया था अपने तमाम परदेसी बहन भाइयों को, मुईज के तमाम बहन भाइयों को डेडिकेट किया था हमने। नहीं बिल्कुल सारे परदेसियों को डेडिकेट, दिल से मुझे कुछ कहा है, कोई बात नहीं, खैर है। और रेशमा जी बहुत ही खूबसूरत आवाज़, इनको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो ऐसी आवाज़ है कि दोबारा वो नहीं आ सकती है ना। एग्जैक्टली, और बड़ी कोशिश की गई बाद में। अच्छा, क्यूबी मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन लगती है रेशमा जी की आवाज़ का। क्यूबी वो मुझे बड़ी खतरनाक सिंगर लगती है। क्यों? वो उनका अंदाज ऐसा है, हालांकि मेरी वन ऑफ फेवरेट सिंगर हैं, मतलब हाँ। बहुत अच्छे आर्टिस्टों में एक हैं, लेकिन उनका अंदाज बड़ा खतरनाक। हाँ, सना मारवी वो तो लेजेंड है, लेजेंड है वो तो, लेकिन रेशमा जी की कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा, अभी मैंने कल एक खबर सुनी कि 35 साल के बाद उस्ताद फतेह अली खान की एक एल्बम रिलीज हो रही है, द लास्ट एल्बम। ये इसके बाद मैं और मेरे दोस्त इतने खुश हैं ना, ओए होए, देखें लोग बारबेक्यू पार्टीज में सिर्फ बारबेक्यू को एंजॉय करते हैं, हम लोग खान साहब के गानों को एंजॉय करते हैं, तो हमारे लिए नई एल्बम आ रही है, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। 35 साल के बाद और 20 सितंबर को रिलीज हो रही है, 20 को रिलीज हो रही है, बस स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा। बहुत बड़ा तोहफा है तमाम म्यूजिक लवर्स के लिए, खान साहब के जो फैन है उन सबके लिए बहुत बड़ा तोहफा है, कांट वेट। और अभी जो एक सॉन्ग है, अदनान धूल आई गेस उनका नाम है, और उन्होंने एक कमर्शियल से अपने, वैसे तो गा पहले से रहे थे, लेकिन जो लोगों की नज़रों में आए वो एक बैंक का उन्होंने कमर्शियल बनाया था, और उससे बाद वो गाना उन्होंने रिलीज़ किया। और फिर उसका अब जो मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं वो है जी मार उडारी, जो कि परदेश कटेंदा का 2.0 वर्जन है। ये क्या होता है 2.0 वर्जन? होता है उसका अपग्रेडेड वर्जन। तो 2.0 की बोला उन्होंने, देखिए 2.0 हो गया ना। ओके 2.0, तो वो चीज़ अपग्रेड होगी। समझ मुझे नहीं आई है, क्या कहना चाह रहे, मतलब समझ ले रिप्राइज हो गया इसको, उसका एक अनदर वर्जन मल्टीप्लाई हो गया, पहली जो चीज आती है वो 1.0 होगी। ओके, दूसरी बार हो रहा है वो 2.0 होगी, दूसरा हिस्सा है थोड़ा बेहतर, नहीं हिस्सा नहीं है, मतलब उसका सेकंड वर्जन है 2.0, अब थर्ड करेंगे तो 3.0 हो जाएगा। ओके, अच्छा भाई, आप देखते हैं जेन जी की लैंग्वेज है, जेन जी, जेन जी, यो यो यो। तो आपको जनाब दिखा रहे हैं थर्थली सेगमेंट है हमारा, और मार उडारी बाय अदनान धूल, वंडरफुल वंडरफुल सिंगर, लेकिन ये क्या वर्जन उन्होंने आप जो है अभी अपलोड किया है, रिलीज किया है, ये पहले वो देखते फिर होगी इसकी रोस्टिंग। मार उडारी घर आ सजना, वो तमाम परदेसी, वही बात ना, जो उन्होंने पहले पार्ट वन बनाया था उसका उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन किया, इट वाज अ गुड सॉन्ग, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये। एग्जैक्टली, अदनान धूल की आवाज बड़े मजे की है, बड़ी डिफरेंट सी आवाज है उनकी। देखें हर सिंगर का एक अपना जनरा होता है, और इनका जनरा ही इस टाइप का है,
मतलब ये थोड़े से ना वो एनर्जेटिक सॉन्ग करते हैं। एग्जैक्टली और पहला उन्होंने सराकी सॉन्ग गाया था ना जो परदेश से कटींदा है, परदेश कटींदा। आई एम प्लीज कोई किसी को करेक्शन करनी मुझे जरूर बताएं। लेकिन क्योंकि हम बगैर पंगे लिए रह नहीं सकते तो इसकी रोस्टिंग है। सॉन्ग बहुत अच्छा है लेकिन रोस्टिंग हमेशा थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके की जाती है। ऑन अ वेरी लाइटर नोट आइए देखते हैं कि इसकी रोस्टिंग में जो बात है वो क्या है। क्या बोलूं, किसने की ये रोस्टिंग, ये इतना अच्छा गाना था है ना, जाती हुई है ना, लेकिन एंड मुझे सराय की बोली है ना वो आइंदा ना बोलना सराय की बहुत ही प्यारी जुबान है और उस जबान में किसी को बुरा भला भी कहे तो अगला बंदा खुश हो रहा है, हाँ ये लोग गालियां पड़ रही इतनी प्यारी जुबान है, प्यारी जुबान है। जनाब आपने अदनान धूल का सॉन्ग देखा और अगर आप चाहें तो इसका रिव्यू या जो आपके दिल में है इस गाने के हवाले से आप बता सकते हैं 0514102357। गेस्ट हमारे जो है वो पहुंच चुके हैं, आपको मिलाएंगे आज के मेहमानों से भी। दो बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ हैं, एम्पावर्ड खावतीन हैं, अपनी अपनी फील्ड की जैसे मैं अक्सर कहती हूँ माहिर हैं, लेकिन उनकी जर्नी यहाँ तक कि कैसे पहुँची, वो यहाँ तक कितनी मुश्किल से गुजरी हैं वो भी आपको बताएंगी। वो खुद आके दोनों पहुँच चुकी हैं और अभी क्या करें, सॉन्ग हो जाए, प्रोड्यूसर साहब एक सॉन्ग कर लें जब तक हमारी मेहमान जो है पहुँच रही हैं। नहीं अच्छा, कॉल्स 0514102357 इज़ आर नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ तो पीछे कॉल की आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे बात खत्म करती हूँ खामोशी हो जाती है, इसलिए जब मैं चुप कर जाऊँ तो फिर आप कॉल जो है वो कॉलर्स है जी स्टैंड बाय हो गए हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुज़िश्ता ईद बारे कौन भाई बात कर रहे हैं? मैं सलीम शाह बात कर रहा हूँ हसन अब्दाल से। अच्छा अच्छा भाई, कैसी ईद गुजरी आपकी? वेलकम टू सच का। बस अच्छी गुजरी है बाजी। अच्छा अच्छा, और भाई क्या कहेंगे आप? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्रोग्राम अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजर गई? ईद के बाद रूटीन में वापस आ गए आप, नौकरी शौकरी शुरू? जी जी भाई, कुछ बोले ना। और बोल, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। अच्छा कुछ गाने, मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की है। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते कॉल अब आपने करते रहना, ये हमारी रिवायत है, एक दफा जो कॉल करेगा वो बार बार करेगा। कोई सॉन्ग आपने सुना है मुईज से? सुनना है, मैंने पहले एक सॉन्ग पहले मैंने सुनाया था, वो आपने सुनाया ही नहीं। हाँ हाय मुईज, कौन सा सॉन्ग? कौन सा सॉन्ग? हो सके तो मेरा एक काम करो। गाया था? नहीं गाया था। अच्छा, हो सके तो नहीं गाया था, मैंने गाया था। आपने गाया था? हाँ हम भूल ही गए। बस ये अब आपके लिए तैयार करूंगा मैं नेक्स्ट शो पे आपको। हो सके तो मेरा एक काम करो, नहीं आता? नहीं, मैं तैयार करूंगा इनके लिए स्पेशल। अच्छा आप गा चुके हैं, मैं आपको थोड़ा लपेटे में ले आती थी इसके, लेकिन आप गा चुके हैं गाना है ना। अच्छा ये गाना आप क्यों फरमाइश करते हैं बार बार, काम नहीं हो रहा आपका? नहीं काम तो हो रहा है, केवल काम हो रहा है। सो स्वीट, चलो अल्लाह ताला काम में बरकत डाले। काम तो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है इसके। अच्छा अगला जो सॉन्ग है ना, मुईज ने गाना प्रिपेयर करना है, तैयारी करनी है, लेकिन अब जो गाना होगा वो आपके लिए होगा, ठीक है? वो आपको डेडिकेट कर देते फिलहाल के लिए। लेकिन आपने नाम क्या बताया था? सलीम शाह। सलीम शाह, दादा सलीम के लिए गाना होना चाहिए जिल्ले। बस इनके लिए अब प्यारा सा सॉन्ग। अच्छा अभी ठहर जाए, रोक के रखिए सॉन्ग, अच्छा क्योंकि ब्रेक है। अच्छा फिर ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद सलीम गाना आपके लिए होगा। सलीम साहब टेक अ स्मॉल ब्रेक। मेहमान आ चुके हैं, बोलो बोल। थैंक यू, आधा मजे इजाजत है। सारी मेरी सहेलियां जो है वो आ चुकी हैं और बैठ के बातें करें दोनों आपस में। मैंने कहा भाई ब्रेक खत्म हो चुकी है, गपशप लगानी है हमने, तो वेलकम करते हैं जी। एक से मुलाकात आपकी पहले हो चुकी है और उन्होंने मुझे याद है कि हमारे यूनिवर्सिटी के जब मैं मॉर्निंग शो करती थी उसके लिए बड़े मज़ेदार मीठा बना के भेजा था, तो उसके बाद से जो मीठे की लत पड़ी है मुझे बस ना पूछे, ये वजन बड़ा बड़ा इस वजह से बड़ा था। वेलकम करते हैं जी, ये एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा बहुत ही काम कर रही हैं, एचआर से इनका ताल्लुक रहा है और किस तरह से घर को भी संभाल रही हैं, अपने करियर को भी देख रही हैं, बताएंगी। हमारी बहुत ही प्यारी से मेहमान है नादिया कवल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। वैसे ही बोलना जैसे बोलती हो। वैसे ही बोलूंगी। हाँ, ये। और लाउड होके बोल रहा है यहाँ पे जू का तू जाता है और यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो अच्छी बात ये होती है कि
दिल की बात करते हो, दिल से करते हैं, जैसे कि आज मेरी दूसरी मेहमान है वो फर्स्ट टाइम सजगत में आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनसे मुलाकात होती रहेगी। पिछले कुछ 1500 साल से मैं इसको बुलाना चाह रही थी और खुद भी कोशिश करी थी आने के लिए, कि पता नहीं कि अब्दाबाद चली जाती हैं। मैंने अब्दाबाद में क्या रखा है सर? मैंने कहा अच्छा अब्दाबाद इतनी प्यारी रोमांटिक सी जगह है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जौहारिया अज़हर यहाँ मौजूद है, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर है, एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, और अब्दाबाद क्यों जाती है जौहारिया खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और बिलाखिर हमारी मुलाकात हो ही रही है। बहुत शुक्रिया आने का। आई नो बिजी होती हो, और कभी इस शहर में कभी उस शहर में। आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं, वो कैसे? बस जो डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करके टीचिंग साइड पे आ जाएं, वो फिर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर एसोसिएट होते हैं, फिर जब बूढ़े होने वाले होते हैं तो प्रोफेसर हो जाते हैं। नहीं नहीं तो इस वजह से प्रोफेसर। आप पढ़ा रही हैं? जी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग अब्दाबाद इंटरनेशनल में, और वहीं की मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो इस वजह से आप जो कह रही है एवरी ट्यूजडे आई एम देयर। क्यों जाती है? हाँ, पढ़ाने पढ़ाने जाती हैं। अच्छा सही सही सही, ठीक है बिल्कुल। एक पढ़ाने का कीड़ा होता है ना जहन में, तो वो इट्स अ वेरी। अच्छा, नॉर्मली हम करियर का जज कर सकते हैं कि जी ये टीचर लग रही है, एस्थेटिक डॉक्टर लग रही है, आपका कॉम्बिनेशन है ना जी, उस्ताद भी है मुझे बाय मजबूरी बनना पड़ा, क्योंकि हाँ मतलब मुझे वो पाथ होता है ना, आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने लिखा होता है, तो नेचर आपको खुद ही टर्न कर देती है टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, तो वही हुआ मेरे साथ। तो टर्न कब आया जिंदगी में? देखिए मैं वैसे बेसिकली ना आई एम ए प्रोफेसर इन ओरल पैथोलॉजी। अब बहुत सारे लोग ओरल पैथोलॉजी सुन के कहते हैं ये है क्या, ये पैथोलॉजी है जो मुंह की चेहरे की इस पूरे रीजन की है, फेस की और नेक की, अच्छा दांत की मुंह की, अच्छा सही से चेहरे की, ठीक है। तो उसमें मैंने जब वो पढ़ी ना, तो उसमें लेजर से बहुत अच्छा इलाज था सारी बीमारियों का, तो मैं लेजर्स में फेलोशिप करने जर्मनी चली गई कि लेजर्स लाऊं और पाकिस्तानियों के मुंह की और चेहरे की बीमारियों का इलाज करूं लेजर से। तो अब वो जब आके लेजर पता चला ले लिए, तो लोग ज्यादा बीमारी का इलाज कराने से ज्यादा किस में इंटरेस्टेड हैं? एस्थेटिक्स लगने में, हसीन लगने में। वो सब ने कहा जी एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स, तो मुझे बाय डिफॉल्ट, मैंने कहा फिर देन आई वेंट टू यूके, और मैंने अपना यूके का जो लेवल 7 एस्थेटिक फिजिशियन का कोर्स है वो किया, सो आई एम अ क्लासिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये शिकायत भी मैं करूंगी आपसे, लेकिन मैं चाहूंगी कि नादिया आप बताएं कि जिस टाइम की जिंदगी में एक टर्न आया, और आपके लाइफ में कैसे टर्निंग पॉइंट आया? तो आपने एचआर से किया था ना? जी वो एचआर से किया था, इट वाज बैक 2006। ठीक, अभी तो नहीं हो, तो एक पुरानी स्टोरी हो गई। हाँ, बहुत पुरानी। लेकिन यू नो कि लाइफ तो चेंज होती रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है जिंदगी में, तो एवरी टाइम लाइक जो चीज़ आती है उसको फिर डेफिनेटली अडॉप्ट करना पड़ता है, चाहे ना चाहे। तो डेफिनेटली वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर आपको मोल्ड होना पड़ता है। खवातीन हैं ये लड़कियाँ जिनकी नई नई शादी होती है, उनसे नौकरी छुड़वा दी जाती है, तो आपके नौकरी छोड़ने की वजह कोई घर का प्रेशर तो नहीं था? नहीं, नौकरी छोड़ने की वजह ये थी कि आई हैड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। अच्छा ओके। हां, इट वाज बैक इन 2016 और 15। मेरा जो आपको पता है लाइक आई एम बेसिकली डूइंग लाइक एक मल्टी एक्टिविटीज फर्म है मेरी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मैं रन करती हूँ जी, जो कि एचआर से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करती है। अच्छा, तो ये डिफरेंट लाइक मल्टी काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं पता था, तो बस इस तरह से चल रही है जिंदगी। तो जैसे जैसे वो कहते हैं कि एक स्टार्टिंग करियर होता है प्राइवेट जॉब से इन 2003 समवेयर, ठीक है, सो वहाँ से लेके अभी 2024 हो गया, तो लाइक सोच के लेके चलते चले जा रहे हैं आज तक। लेकिन वो बहुत एक मजे की लाइफ होती है, 9 to 5 वाली जॉब। मजे की होती है? यस, मतलब आप देखे, मतलब मेरे पास अभी आई एम फ्लेक्सिबल सिंस कोरोना, मतलब मैं जो है घर से ऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, जब मेरा मूड हुआ, जब कह लें कि जब भी जरूरत के तहत काम हुआ तो काम हुआ तो कर लेते हैं, अदरवाइज यू आर फ्री। बट 9 to 5 यू नो कि एक वो प्रॉपर एक आपकी रूटीन रहती है, लाइफ सेट रहती है कि आपने 9 to 5 करने का, जब आप आंसरेबल है तो डेफिनेटली आपको वो रूटीन फॉलो करनी पड़ती है, वंस यू आर बॉस तो फिर आपको कोई लाइक इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, यू नो, तो फिर आप इजी है, इजी भी है, और मतलब एक रूटीन नहीं है, जब आपका दिल चाहे हो सकता है मैं रात को 2 बजे काम कर रही हूँ,
लेकिन बीइंग अ बॉस यानी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत है ना, वो 9-to-5 जॉब में यू आर नॉट रिस्पांसिबल, आप गए आपने अपने हिस्से का काम किया एंड दैट्स इट, बट जब रिस्पांसिबिलिटी तो ज्यादा होती है उस वक्त भी बिकॉज़ कि यू आर आंसरेबल, लेकिन अब जब पे गलती का चांस नहीं होता तो फिर तो आपने हर चीज देख ली है ना, मैनेज कर रही होती स्वीपर से लेकर फिर आप वर्कर भी हैं, फिर आप वर्कर भी हैं, मैनेज एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन, बिल्कुल सही, सो फिर उसमें परफेक्शन ज्यादा आ जाती है बजाय किसी पे डिपेंडेंट होने के। डेफिनेटली एम्प्लॉज जब काम करते हैं तो वो मिस्टेक्स तो होती हैं, इवन तो क्या बॉस भी करता है गलती है, ऐसी बात नहीं, बट बॉस इज ऑलवेज राइट ना, आई डोंट नो द टाइम, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो दिस इज व्हाट लाइक, मतलब अभी तकरीबन हो गए हैं 2016 से लगातार अभी तक, तो आई एम नॉट लाइक आई एम द बॉस, यू द बॉस, वैसे भी होम बॉस खातिर जो तेरे बॉस, वैसे मैं बॉस ही हूं ना, आपको पता बॉस ही है, अच्छा सही सही सही, तो वैसे ही है इसी तरह। अच्छा डॉक्टर जौहरी, ये वो ब्यूटीफुल नेम, इसका मतलब क्या होता है? ये जौहर से निकला है और जौहर से जौहरिया, मतलब मेड ऑफ ज्यूल्स, मेड ऑफ ज्यूल्स, अच्छा दो तीन तो ज्यूल मैंने बता दिए आपने हमें, एक तो बढ़ाने वाला एस्थेटिक का भी। अच्छा आपने शायद ये बात, आपने तो बकायदा ट्रेनिंग लिया जर्मनी जाके, यूके जाके, मुख्तलिफ ममालिक से सर्टिफाइड आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, लेकिन हमारे यहाँ गली गली में ऐसे बैठी हुई हैं एस्थेटिक डॉक्टर्स, तो नहीं कहूँगी जो प्रैक्टिस कर रही हैं, हाइड्राफेशियल कह लें आप और नॉन इन्वेसिव किस्म की चीज ट्रीटमेंट कर रही होती हैं और स्किन का खराब कर देती हैं, बेड़ागर कर देती हैं, उनको पूछने वाला है कुछ चेक इन बैलेंस है उनके ऊपर? नहीं एक्चुअली पता है एस्थेटिक्स का ना ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी ये हो रहा है, अभी मैं यूके गई हुई थी, मैं यूके से वापस आई हूँ, वहाँ पे हम लोग की एक मीटिंग होती है, वहाँ पे उनकी ना एक जॉइंट एसोसिएशन है ऑफ एस्थेटिक फिजिशियंस की, उसमें एस्थेटिशियंस को भी वो करें केटर, तो इवन दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि उन्होंने कहा कि जो एस्थेटिक्स में किया हुआ होता है नॉन इन्वेसिव में कोर्स, वो उसके बावजूद बोटॉक्स फिलर्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो अब आप सोचें कि अगर यूके ही गाइडलाइंस अभी ला रहा है इसमें, तो हम तो फिर उनसे जरा पीछे इन चीजों में ना, तो हमारे भी इंशाल्लाह आ जाएंगी गाइडलाइंस, बट ये है कि एक जैसे डॉक्टर सारे पीएमडीसी के अंदर अम्ब्रेला होते हैं और हमारी कोई कंप्लेंट हो तो वो वहां लग सकती है, अब अगर कोई एस्थेटिशियन कर रहा है और एक ब्लाइंडनेस का आपको पता है केस पेशावर में रिपोर्ट हुआ है बिकॉज ऑफ फिलर इंजेक्ट किया था किसी ने और उसके बाद ब्लाइंडनेस कॉज हुई, अब मगर वो जो थे वो नॉन डॉक्टर ने किया था, तो अब उसकी कंप्लेंट के लिए वो कहाँ पे जाएं, तो ये इस किस्म के कुछ हैं, लेकिन अब इवॉल्व जैसे जैसे होगी हो रहे हैं। जी एग्जैक्टली exactly. और फिर ये जो कोर्स करने देने वाली एकेडमीज की मशरूमिंग हुई है, उन्होंने फिर ये शुरू किया कि आपको ना क्राइटेरिया रखना होता है ऑफ एडमिशन, कि जैसे अगर MBBS हैं या BDS डॉक्टर्स हैं सिर्फ वो आए, तो उन्होंने अब डॉक्टर्स और हेल्थ केयर विजिट वर्कर्स तो और भी हैं ना, जैसे फार्मासिस्ट के साथ भी डॉक्टर लगा होता है, फिजियोथेरापिस्ट के साथ भी लगा होता है, उन सबको भी करा दिया, तो उस पे ये है कि ऑब्वियसली कुछ कोर्स करके आपको एनाटॉमी और वो फिजियोलॉजी ऐसी नहीं आ सकती कि आप इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स कर लें। बिल्कुल सही तो डॉक्टर जौहरिया यहाँ मौजूद हैं जी, 0514102357 पे आप कॉल करके स्किन के हवाले से बात उनसे कर सकते हैं और अगर अपॉइंटमेंट ले ली वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि कॉलर अच्छा जी कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू सजगा, आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आजाद कश्मीर से अहमद बोल रहा हूँ। अहमद भाई जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन से करवा रहा हूँ, मेरी टांग जो है ना सही से जुड़ रही है ना। क्या दांत? दांत फिर से बोलना अहमद। हेलो टांग क्या हो गया उसको? दाएं टांग फ्रैक्चर हुई थी ना मेरी, फ्रैक्चर हुई थी, साथ तो है ना, ठीक है अच्छा ठीक है, टांग फ्रैक्चर हुई थी, उसमें रॉड डला हुआ है, रॉड डला हुआ है ओके ठीक है वो जोड़ नहीं रही है और नेट मुझे तंग कर रहे हैं, रॉड तंग कर रही है। हाँ, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं हाँ, लेकिन ये जो है ना ऑर्थोपेडिक को बताएं, असल में जो वेट बेयरिंग एरियाज है ना बॉडी के उनमें बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की रॉड्स और ये इसको हैंडल करना बॉडी के लिए भी, तो एक तो ये कि उसमें कुछ लो क्वालिटी की भी आ रही होती हैं, कुछ हाई क्वालिटी की आ रही होती है, तो एक तो आपने हाई क्वालिटी वाली लगाई हुई हो और जो प्रोफेशनल या डॉक्टर इसमें ट्रेंड हो उससे लगवाई हुई हो, तो मेरे ख्याल में आपको पिंडी इस्लामाबाद या किसी बड़े शहर में आकर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियों के डॉक्टर है ना उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका मसला बढ़ता जाएगा और टांग का मामला ये मजीद खराब होगा, वेट बेयरिंग एरिया आपका, ठीक, तो इसको अब इग्नोर ना करें, मतलब जिस जगह वैसे तो डॉक्टर जौहरिया जो है वो स्किन की डॉक्टर है, ठीक है वो स्किन के वाले से हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास नॉलेज है तो ये आपको गाइड करिए कि जो हड्डियों वाले डॉक्टर हैं आज़ाद कश्मीर में या इस्लामाबाद या पिंडी आपका आना हो वो पता करके उनसे आप डिस्कस कर लें, वो आपको सही गाइड कर देंगे। अब देखें ना कि लोगों के पास अभी इतना नॉलेज भी नहीं है कि किस डॉक्टर से कौन सी बात करनी है। हाँ नहीं उसमें साल भी, लेकिन एज अ डॉक्टर मैंने उनका ये जवाब दे दिया, आई कैन अंडरस्टैंड जो प्रॉब्लम है, और जो स्किन के डॉक्टर
डॉक्टर्स है ना वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन, ठीक है, मैं जो एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स है ना सारे खूबसूरती वाले हैं, हाँ, ठीक है, उन प्रोसीजर्स की है मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल, और जो डर्मेटोलॉजी और स्किन की डिजीजेस जैसे आ जाती हैं, पिंपल्स हैं, उस सारे को जो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट है वो ट्रीट, वो आपके पास मौजूद होती है? जी जी डॉक्टर नताशा, दैट्स व्हाई हमारा एक पॉलीक्लिनिकल सेटअप है ना, ठीक है, इस्लामाबाद में ही है, बिल्कुल सही है, तो अंडर वन रूफ आपको ये तमाम चीजें जो है वो पॉलीक्लिनिक। अच्छा नादिया, आपको लगता है कि खवातीन ज्यादा कॉन्शियस होंगी अपने बारे में, सिर्फ मीडिया की नहीं बल्कि हाउसवाइफ्स भी, खूबसूरत दिखना है, वजन ऐसे होना चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए? देखिए ये कोई आज का तो नहीं है कि खवातीन खूबसूरती पसंद नहीं करती, ठीक है, तो ये तो शुरू से ही एक कह लें कि एक आदत रही है खवातीन की, जो खूबसूरत हमारी खमीर में शामिल है ना, हाँ बिल्कुल, कि हमें खूबसूरत लगना, हर किसी से खूबसूरत हमें ही लगना है, बढ़ती एज से परेशान रहती है कि ज्यादा एज नहीं नजर है, तो उसके लिए भी उनको मेंटेनेंस चाहिए होती है लाइफ में, बाल झड़ने नहीं चाहिए, चेहरे पे रिंकल्स नहीं आने चाहिए, दो चीजें खराब हो जाती है, मतलब बंदा सारा उम्र ये तो चलता रहता है ना, मतलब बॉडी सिस्टम में भी तो सम टाइम कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको काफी कुछ फेस करना पड़ता है, जिसके सारे असरात इंसान के बॉडी के ऊपर बाहर बालों में या चेहरे पे ही आते हैं, बिल्कुल सही, तो उसको तो मेंटेन करना जरूरी है। कल मैंने एक जगह पढ़ा था, किसी ने कहा कि जी जो शादीशुदा लोगों में डिवोर्स की जो शरह ज्यादा, इस थ्योरी की खवातीन एम्पावर्ड हो गई है, नाउ दे नो देयर राइट्स, किसी हद तक ये सही भी, किसी हद तक गलत भी है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जहां भी पावर का गलत इस्तेमाल होगा वहां पे कोई ना कोई ऐसे मसले मसाइल होंगे, तो सिर्फ खवातीन को ब्लेम नहीं देना चाहिए, नहीं। कॉलर जी, एक और कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सच का। अच्छा ये मुझे बताइए कि मेरी, आई एम 72, मेरी आंखों के नीचे ना पफीनेस बहुत है। अच्छा, और आपका नाम मैम? मेरा नाम शाहिदा है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। जी शाहिदा जी, अच्छा आप होल्ड कीजिएगा, आपको ऑनलाइन बताते हैं जी पफीनेस। अच्छा पफिनेस के देखिए बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, तो बेसिकली हमें जो है वो कॉज सर्टन करना होता है, क्या है, ताकि वो दूर हो सके ना। अब जो कॉजेज़ हैं उसमें एक तो है कि आपकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, सबसे कॉमन कॉज ये होता है फेस के ऊपर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वह कहीं ब्लॉकेज है, उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी लिम्फेटिक मसाज फेस की खुद किया करें, यूट्यूब खोलें ना, उस पर बहुत सारी वीडियोज आपको, आप लिम्फेटिक मसाज ऑफ द फेस, लिम्फेटिक मसाज ऑफ द फेस टाइप करें, तो वो ना वीडियोज खुल जाएंगी जिसपे फेस के जहां जहां लिम्फ नोड्स है ना वो आपको बता देंगे कि आपने किस तरीके से मसाज करनी है। या ग्वाशा एक चीज होती है, आजकल ग्वाशाज मिल रहे हैं, स्टोन के बने हुए मिल रहे हैं, आप ग्वाशा फेस पे यूज करें वो लिम्फेटिक, और उसको एक खास एंगल और एक खास डायरेक्शन में करना होता है, तो वो आपको जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज देगा, अव्वल तो आपकी इससे कम हो जानी चाहिए, और अगर इससे आपकी कम नहीं होती तो फिर आपको ये देखना है कि आप हाइपरटेंसिव, यानी आपको ज्यादा ब्लड प्रेशर का मर्ज तो नहीं है, इसके अलावा अगर दिल का कोई प्रॉब्लम हो या आपके जिगर में कुछ मसला हो, तो इन दो तीन चीजों, और चौथी चीज जो है वो आगे किडनीज, तो आप अपना किसी जर्नल फिजिशियन को जाके दिखा के ना ब्लड CPA करा लीजिए, लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें, थायराइड के टेस्ट करा लें, अगर वो सब नॉर्मल हो तो बस आप लिम्फेटिक अपनी मसाज जारी रखें और इंशाल्लाह उससे आपके ठीक हो जानी चाहिए। मैं हाइपोथायरॉइडिज्म तो है मुझे, हाइपो के हाइपर, हाइपो 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 हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है, सही है, तो आप एक तो अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें, थायराइड की आप लेती रहें, बहुत पीती हूं डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा पीती हूं पानी, हाँ, तो फिर आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, आप लिम्फेटिक्स का करें, और दूसरा जो है ना आप दिल के डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए, ब्लड प्रेशर ना बढ़ा हुआ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन ये मेरा पता नहीं जेनेटिक्स है, माई फादर ऑल्सो हैज दिस सेम प्रॉब्लम, उनके भी ऐसी पफिनेस थी, तो मेरे भी है। देखिए पफिनेस एक होती है लिक्विड पफिनेस, एक होती है वहां पे फैट की एक पॉकेट होना, ओके, अगर तो फैट पॉकेट है तो वो फिर आपको देख के पता चलता है, हम देख के बता सकते हैं ना, जी जी इसकी काफी सारी ट्रीटमेंट है, फैट पॉकेट रिमूव हो जाती है लेजर से। मैं क्या करती हूँ, जब मैं थकावट हो चेहरे पे, ब्लोटिंग सी मतलब सूजन सी आ जाए, तो मैं ठंडा पानी बर्फ वाला उसके अंदर आइस पैकिंग भी करती हूँ कभी कभार, बस थैंक यू डॉक्टर सो मच, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, और अच्छा लगा मुझे कि आपने कॉल किया, डू कॉल अगेन। ब्रेक लेते हैं और मैं बताऊंगी कि जब थकावट मुंह पे आ जाए तो क्या करना चाहिए। इस ब्रेक के बाद डॉक्टर जौहरिया मौजूद हैं, नादिया यहाँ मौजूद है, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, आप देख रहे हैं सच कप। जनाब वेलकम बैक टू सच कप, मैं हृदय इमरान, डॉक्टर जौहरिया मौजूद हैं, नादिया यहाँ मौजूद हैं, और एक मसला जो मेरे जहन में था कि मैं पूछूं जौहरिया से कि स्किन बड़ी ड्राई हो गई गर्मियों की वजह से, बाल ड्राई हो गए हैं, पानी पी पी के थक गए हैं, मतलब परेड लगी रहती है, लेकिन ये कि स्किन क्यों बड़ी इतनी ड्राई हुई हुई है।
स्किन ये जो हीट है ना उसका इफेक्ट होता है, पानी से इतना ज़्यादा एवेपोरेट होता है बॉडी से, इतना जब टेम्परेचर हाई होता है ना तो बॉडी स्किन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सारा पानी, तो जो कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको कम ज़रूरत होती है वहाँ पे ये वाली फीलिंग आती है। अच्छा। उसका एक इलाज है कि आप पानी अपने आप को रिहाइड्रेटेड रखें, डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट ना रखें, और एलोवेरा जो है ना वो कंटेनिंग जेल्स ले लें, या आपके घर में अगर एलोवेरा का पौधा है, मेरे पास तो लगा हुआ है, मैं तो उसको काटती हूँ सीधा, यूँ खोलती हूँ और ऊपर लगाएं, तो दिन में उसको 3 से 4 दफा आप कर दीजिए लगाना फेस पे। ठीक है, वैसे स्किन की क्या ख्याल होना चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए गर्मियों में? स्किन को रिहाइड्रेशन, अब आपको कितने ग्लास आप पीती हैं दिन में? नहीं बहुत कम पीती हूं, तो आपको कम से कम 12 ग्लासेस तो पीने, इसलिए स्किन ड्राई हो रही है ना। अराउंड 10 to 12 ग्लासेस आप पिए पानी के, ठीक है, और स्किन को बिल्कुल यूवी लाइट एक्सपोजर पे ना रखें, जब बाहर निकलें तो आप 50 SPF या इससे ऊपर वाली सनब्लॉक लगा के मिनिमम 50 SPF। हाँ, अच्छा, अभी जिस वक्त सूरज बड़ा तेज है, वैसे हम सर्दियों में कह देते होते हैं 25-30 SPF भी ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है वो 50 SPF वाला वो लगा के निकलें, और ऊपर छतरी कर लें, हैट पहन लें जिसके फेस के ऊपर से धूप ना रखे, और रिहाइड्रेटेड रखें, पानी पीते जाएं, और जहां भी पहुंचे वहां जाती है एलोवेरा की कोई आप वाटर कंटेनिंग जेल ऑयल कंटेनिंग रखें और वो फौरन लगाएं। बिल्कुल सही है नादिया, घर वाले उतनी अहमियत देते जितने कि घर से बाहर करियर वाले या आपको ऑफिशियल जो टीम होती है वो देती है? बिल्कुल, कही थी ना कि मतलब मुश्किल होता है बच्चों के, मुश्किल तो होता है डेफिनेटली, मतलब घर को मैनेज करना और बाहर को मैनेज करना एट द सेम टाइम एज यू आर वर्किंग वुमन, आपके लिए भी डिफरेंट डिफिकल्ट रहा होगा ड्यूरिंग दैट पीरियड जब बच्चों को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, लेकिन औरत नाम ही मैनेजमेंट का है ना, तो मैनेज तो करना है हमें हर हाल में। बिल्कुल सही, चाहे आप यू आर फीलिंग वेल और नॉट, आपने आना है, आपने शो करना है डेफिनेटली, काम तो करना है, काम तो करना है, फिर काम को अवॉइड नहीं कर सकते, उस आपने घर को अवॉइड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये बात को मैनेज करना पड़ता है। हम जो अगला सॉन्ग है ना वो इन दोनों खवातीन हसीन लड़कियों के नाम करना चाहती हूं, हां हार्ट ब्रेकिंग, जो हारिया के नाम है और नादिया के नाम है, गाना है कौन सा मुझे पता नहीं, देखें दिखाएं, इन दोनों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, दिखाते हैं दोनों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर सुनने लगे गुनगुनाने, क्या क्या बात है, आपके नाम है जी गाना है, ठीक हो गया, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, आपसे हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें शौक था, हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें शौक था, आपके वास्ते हमने ये भी किया, मिलने जुलने लगे आने जाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, आपसे मिलके हम हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हम में भी तब्दीलियाँ, हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हम में भी तब्दीलियाँ, एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्त
दोस्ती और गजलें भी सुनने सुनाने लगे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे आपसे मिलके हम जबरदस्त शायरी भी उमदा और आवाज है ना बहुत बहुत और क्या फिट बैठी आप दोनों के ऊपर है ना अच्छा फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट का आपकी पर्सनालिटी के ऊपर नहीं पड़ता मूड ज्यादा मूड चेंज हो जाता है देखिए हाँ ये तो एकदम से कैसे हम सारे अच्छे हो गए मैं ये कहती हूँ कि इंसान जो है ना वो सिर्फ एक मुरक्का है अपने जज्बात का और जो जज्बात है ना वो उसके ब्रेन और हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है बिल्कुल अब यहीं बैठ के आप हमें बुरी खबरें सुना दें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सबके चेहरे लटके होंगे और ऐसे लग रहे होंगे कि बस और खुशी की खबरें और वो हों अच्छे सुनने वाली तो आप यू गेट हैप्पी हार्मोन्स तो अच्छी कंपनी का होना बहुत जरूरी है और खास तौर पे जो मैं एक बात ये कहती हूँ कि अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है एक दूसरे की तारीफ करना उनका दूसरे का हौसला बढ़ाना नॉर्मली हौसला इतनी अच्छी चीज नहीं होती जो बहुत लोग बहुत 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 हमारे वर्ष में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जाता है कि आप नहीं कर सकते आप क्यों कर रहे हैं तो ये नेगेटिविटी है सराउंडिंग अस अभी तो मुझे नहीं फील होता जब से मतलब ये सोशल मीडिया थोड़ा इन हो गया ना तो एवरीवन इज लाइक थोड़ा सा देखें खवातीन में शायद थोड़ा सा ज्यादा है बट मेल्स भी किसी से कम नहीं है कम नहीं है और अब देखिए जब अच्छा फील कर रहे होते हैं ना तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में ठीक ये छोटे छोटे वो होते हैं प्रोटीन्स आप कह लें तो ये आपको हैप्पीनेस कहते हैं अब जैसे मैं आपकी तारीफ अगर करूँ आप बहुत प्यारी लग रही है तो आपके जहन से ना एंडोर्फिन रिलीज होगा तो यू विल फील हैप्पी एक बड़ी अच्छी गुडविल सी आ जाती है इसी तरह ऑक्सीटोसिन है दूसरा वो जब आप अपने किसी प्यारे को हक करते हैं अपने बच्चे को माँ सीने से जब लगाती है ना तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उस पर आपको कितना कामनेस और वो आती है बिल्कुल सही तो इसीलिए कहते हैं ना मैन इज अ सोशल एनिमल के हम लोगों से मिल के एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करें तो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं अच्छा जो हम लोगों के बारे में कहते हैं कि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है वो बेसिकली दे आर द हैप्पी हार्मोन्स जी बिल्कुल अच्छा वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आप ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ जो कि आपके लिए खुश है जो कि आपके लिए पॉजिटिव है पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है आपको और फिर जब ये एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है बॉडी में तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए हर बॉडी का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है ऑरा कहते हैं ऑरा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा लाइट होता जाता है वाइट होता जाता है ना पॉजिटिविटी नहीं होती कुछ लोग होते पॉजिटिव हैं रूम में आए तो मालूम होता है एनर्जी आ गई है एंड यू फील हैप्पी और कुछ होते हैं कि वो उनकी शक्ल पे 12 बजे होती है आप क्यों आ गए यहां पे इसको नहीं होना चाहिए उनका थोड़ा नेगेटिव ऑरा होता है ना ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन अच्छा मालूम हो जाता है कि इस बंदी से इस बंदे नहीं बननी हमारी नहीं बननी एक वाइब आपकी मैच नहीं करती है वाइब क्रिएट हो जाती है सम टाइम उसको सिक्स सेंस भी कह सकते हैं कि हां इससे नहीं बनने वाली अच्छा खवातीन की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है सही बात है मोस्टली लोगों की होती है इंट्यूशन इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है ना खवातीन बहुत ज्यादा सही इंट्यूशन ज्यादा तो आपने सोचा था कि मुइज जो है वो गाना डेडिकेट करेगा नहीं हम लोगों ने ये तो सरप्राइजिंग था ना हमारे लिए ये सरप्राइजिंग था सरप्राइजिंग डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन मेडिकल की जुबान में मेडिकल की जुबान में वही अच्छा कुछ हम देखे कितने हैप्पी हो गए उसके बाद सारे चैलेंज नहीं होना चाहिए मेरा तो दिल है कि एक शेर होना चाहिए प्यारा शेर दोनों के लिए दोनों के लिए एक ही शेर और बड़ा प्यारा सा देखो दोनों को लपेट लेकर थैंक यू सो मच क्या बात है जी इरशाद इरशाद मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं हश्र में कौन मेरी गवाही देगा सागर सब तुम्हारा ही तरफदार नजर ये शेर क्यों आपने इन दोनों के लिए सोचा देखें उन्होंने इतनी प्यारी जुबान में इतना प्यारा सा एक प्रॉपर तरीके से बना के दिया तो मैंने भी शायरी के जुबान में एक प्यारी अच्छा आप दोनों जो है बिजी होते हो आई नो यू बीन ट्रैवलिंग अ लॉट और फिर आप भी घर को भी देख काम भी देख रहे हो अपने लिए टाइम कब निकलता है लाइक यू लुक सो फ्रेश माशाल्लाह से इसकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है तो अपने लिए टाइम कैसे निकलता है मैं अपना बता देती हूँ कि मेरा तो एवरी नाइट 8 बजे के बाद से या 9 बजे के बाद से आप कह लें मेरा टाइम स्टार्ट हो जाता है जिसमें मैं नमाज के बाद मेडिटेट करती हूँ ज़रूर तो वो अब डिपेंड करता है कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक या कितना ठीक है तो वो जो टाइम है ना मेरा और उसके बाद फिर मैं कुरान भी पढ़ती हूँ तो ये जो 2-3 घंटे हैं ना रात वाले ये मुझे बहुत रिफ्रेश कर देते हैं मेडिटेशन वैसे ही बहुत
इफेक्टिव होती है। अच्छा, मेडिटेशन क्या किस तरह से होता है मुझे समझ नहीं आती, मैं बड़े मैनिफेस्ट करते हैं ये वो, इज इट एक्चुअली इफेक्टिव? जी जी, आप इसको प्रैक्टिस शुरू करें रिदा एक दफ़ा। अब देखिए मैंने जो मेडिटेशन है ना बहुत सिंपल चीज़ है, आप इशा की नमाज पढ़ ली ना, जैसे जाय नमाज से स्टार्ट कर दें, वहीं बैठ के थोड़ी देर चौकड़ी मार के बैठेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं पोजिशन में, बिल्कुल अपना जहन खाली कर दें हर किस्म के ख्याल से, पीछे अल्लाह का वर्द लगा लें, अल्लाह के नामों का वर्द लगा लें या अल्लाह का वर्द, हाँ मैं ज़्यादातर वो करती हूँ, आप लाइट म्यूजिक लगा सकते हैं, व्हाटएवर रॉक्स योर बोट, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद आइज बंद कर लें और सारे ख्याल जहन से निकाल दें, वो निकलते ही नहीं ख्याल जहन से, क्या प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके लिए? उसके लिए आप प्रैक्टिस करें और आपको सीख लेते हैं, आप अपने आप को जैसे मैं करती हूँ, मैं इन्विजन करती हूँ मैं एक पाथवे पे चलती जा रही हूँ और मैं एक एक करके ना अपनी एक एक सोच निकाल के बाहर फेंकती जाती हूँ, तो बाय द एंड मैं जब एंड में पहुंचती हूँ ना तो वो सब ख्याल मैं बाहर फेंक चुकी होती हूँ। गुरु जी तो प्लीज जरूरी है, जरूरी है, एक चीज और बहुत जरूरी है, ब्रेक जो कि नादिया लेंगी इस कैमरे में, मैं हाथ जरूर दिखाना अपने प्लीज, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं और ब्रेक लेते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा बोले ब्रेक लेते हैं, अच्छा अभी जी हम ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो हमें देखते रहिए, थैंक यू, देखते रहिए, देखते रहिए, वेलकम बैक जी। क्यों के बाद मुझे बाहर से आई है, कान मेरा भी ये जो आला है काम नहीं कर रहा है, लेकिन डॉक्टर जवाहरिया से मैं ये बात करी थी कि बड़ा मुश्किल होता है, मैं बल्कि दोबारा बुलाऊंगी आपको, हम बात करेंगे इसी मैनिफेस्टेशन के हवाले से और जिस तरह से आप फोकस करती हैं या मेडिटेशन करती हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी एंग्जाइटी इतनी डिप्रेशन लोगों में बढ़ रहा है और मेरे हम लोग दवाइयों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा एक सिंपल रूटीन क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में दिन को थोड़ा सा पीसफुल बनाने के लिए, फिर मैं डॉक्टर जवाहरिया की तरफ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगी, स्ट्रेस फ्री जिंदगी कैसे होनी चाहिए? देखिए स्ट्रेस तो मतलब डेली बेसिस के ऊपर आपके ऊपर ऑल द टाइम रहती है, लेकिन डेफिनेटली उसके जैसे डॉक्टर जवाहरिया ने बताया कि आप मेडिटेशन करें, थोड़ी देर के लिए करें, चाहे जैसे मर्जी करें, चाहे आप कोई चीज़ सुने जो आपको पसंद है ठीक है वो सुन लें, ठीक है, या कुछ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, जैसे बता रही हैं कि कोई वेद जिक्र अज़कार करने हैं तो वो कर लें, ठीक है, तो दिस इज़ गुड, लाइक मतलब जब मुझे होता है तो डेफिनेटली आई डू, इसी तरह से कोई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें डेफिनेटली वो चीज़ें ऐसा 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 हील होती चली जाती है, और डिप्रेशन और स्ट्रेस को रिलीज़ करने का सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका ही हमारे रिलीजन ने भी हमें बताया कि आप थोड़ा ध्यान करें इबादत की तरफ और थोड़ा सारा टाइम निकालें, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो यू विल स्टार्ट गेटिंग टू नो योरसेल्फ कि आपको क्या चाहिए बेसिकली, सही से तो 4 मिनट रह गए मैं ऐसे बैठी भाग के जाना मैं 4 मिनट के बाद डॉक्टर शिवानी का कहना चाहेंगी आप, लेट्स थिंक के जी ये हमारा एक मैसेज ही हो गया। हाँ बस स्ट्रेस के लिए ये मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि स्ट्रेस जो है वो आपके अपने दिमाग में आप खुद पैदा कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि आज से 4 साल पहले किसी चीज ने अगर आपको परेशान किया था, आज आप मुड़ के उस चीज की तरफ देखें बकायदा इस तरह पीछे, तो आपको क्या वो उतना ही बड़ा और परेशान कौन लग रहा है जितना उस वक्त लगा था? वो कहते हैं नहीं, बाद में तो लगा छोटा सा था, तो फिर अपने आप को ये कमांड दें कि उस वक्त जो मसला आ रहा है ये टेम्परेरी है, इस दुनिया में हम टेम्परेरी हैं और जाहिर ऐसे मैंने निकल जाना है, बिल्कुल ये गुजर जाएगा, तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है तब, लेकिन हमें स्ट्रेस एक बंदे को देना है, देना है किसको? हाँ, वो कहते हैं लेना नहीं है स्ट्रेस लेकिन देना देना जरूर है। मैंने आज जानी इजाजत, आई हैव टू से अल्लाह हाफिज, कल दोबारा आएंगे बड़ी इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, दावे से कहेंगे आप एंजॉय करेंगे, लेकिन चैलेंज मुईज हर एक को दे रहा होता है, आपने क्या चैलेंज देना जी, सोचो फतेह अली खान सॉन्ग, हाँ सुना दें वो, हाँ, मस्त नजरों से, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, आई हैव टू से अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, मुईज रेडी फॉर द चैलेंज, मैं रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात करूंगा, हाँ जी, लेकिन हर बंदे की एक वर्थ होती है, जैसे आप और मैं किसी को सॉरी कह दें तो गिला ही खत्म होता है, लेकिन अगर डॉक्टर किसी को सॉरी कह दें बंदे खत्म, ऐसे डॉक्टर नहीं है जो सॉरी कहेंगे तो बंदा खत्म होगा, अल्लाह ना करे, स्ट्रेस दे रहे, गाना गाना अब तो बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अब चुमीस, कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए ओहसान चला जाता है, हुस्न वालों से ये कह दो के ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है, अरे मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, रे मस्त नजरों से ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, रे मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजर
माँ जमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे ओए हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। पर न जाना इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना, लूट लेते हैं हाय लूट लेते हैं हाय लूट लेते हैं, ये मुस्कुरा कर इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। ये समझने वाला शेर है, इनकी नस नस में है बेवफाई, इनकी नस नस में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा, इन भोले भालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से रिदा से अल्लाह बचाए।